Hello students, I am Alok Kumar Dangi, the faculty of the Polytechnic Analysis. So yes, you are most welcome in the lecture of TPC. So here I am going to announce a new course, which is English Grammar. So then first of all, we know why we need to learn English. I think a number of students here knows well that English is native language of about 104 countries around the world. Even in countries where English is not the native language, people use it for business and tourism and different sectors. So English is used for this purpose in most of countries. English is also the official language of airlines and airports. All airlines pilots that fly to other countries must be able to speak English. As for example, जैसे pilot यहाँ से कोई fly करता है, जैसे Indian countries से कोई fly किया, उसे must है कि उसे English आना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे countries के pilot से उसे interact करना है, तो English में ही करेगा. So there are different kinds of English, like British, Canadian English and American English. But in India, we use basically British English. As for example, आप देखेंगे कि जैसे cinema को हम British English में, sorry, Britain में जो है cinema लिखा जाता है, और America में उसे हम थिएटर लिखते हैं. यही फर्क है. लेकिन हम लोग बेसिकली ब्रिटिश लैंग्वेज को ही समझते हैं. तो हमने यहां पे पढ़ा कि तीन टाइप का इंग्लिश होता है. इंग्लिश ब्रिटिश कैनेडियन एंड अमेरिकन. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट बेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज इंग्लिश ग्रामर. बिकॉज ग्रामर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न टू नो एनी लैंग्वेज. Even you learning Hindi language, you should have a broad knowledge of Hindi grammar. So we will know first what is grammar. Grammar. इसका definition हम सबसे पहले जानेंगे. तो subject in which we learn correct writing, reading and spoken is called grammar. Okay? यानी वैसा विषय जिसमें हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं, उसे हम ग्रामर कहते हैं, यानी कि हम व्याकरण कहते हैं हिंदी में देखा जाए तो. अब इसके आगे आता है लेटर, वर्ण. वर्ण क्या है? द सिंबल of sound that cannot be divided is called letter. Okay,
अर्थात वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, उसे हम लेटर कहते हैं अर्थात वर्ण कहते हैं। देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट। इसी का एक और परिभाषा है लेटर का ही, और करके लिखेंगे। द लेटर इज ए पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक ए न्यू वर्ड इज कॉल्ड सॉरी ये हमारा हो चुका है। द लेटर इज ए पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक ए न्यू वर्ड, यानी कि लेटर वर्ण उसे कहते हैं जो अल्फाबेट का पार्ट होता है। यानी कि अब हम कहें कि अल्फाबेट क्या है, तो अल्फाबेट द ग्रुप ऑफ ए सर्टेन ऑर्डर ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी कि अल्फाबेट को देखा जाए तो ये लेटर का ग्रुप है, और जो लेटर है वो अल्फाबेट का पार्ट है। यानी कि जैसे कोई बोरी में चावल है, तो उस बोरी का जो चावल का जो एक एक चावल जो होगा वो हमारा लेटर होगा, और जो हमारा पूरा बोरी जो होगा वो हमारा अल्फाबेट होगा। देखिए अल्फाबेट का जो डिफिनेशन लिखेंगे तो कुछ यूं होगा, अल्फाबेट ए ग्रुप ऑफ certain ten order of letters is called alphabet। example from A to Z, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं सारे हमारे, सॉरी अल्फाबेट बोलेंगे, अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे। अगर हम अल्फाबेट्स बोलेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। अल्फाबेट मतलब हो गया वर्णमाला, और अल्फाबेट्स अगर बोलेंगे तो हमारा हो जाता है लैंग्वेज। सो हम अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे। जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे हमने लिखा वाटर, वाटर का तो मूल अर्थ हमारा जो आप जानते हैं कि पानी होता है, लेकिन अगर हम वाटर में अगर एस लगा दें तो इसका अर्थ हो जाता है जलाशय। ठीक है, इसलिए हम ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, सो अब हम आगे जानते हैं जो हमारा वर्णमाला है यानी कि अल्फाबेट है, उसका भी दो टाइप होता है। आप पढ़ चुके होंगे there are two types types of letter in English alphabet, only alphabet, not alphabets, okay। फर्स्ट होता है वॉवल, जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, जिसे हम व्यंजक कहते हैं। ओके,
तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि वोवेल क्या होता है, यानी कि स्वर क्या होता है। वोवेल द लेटर्स विच हैव नो नीड ऑफ एनी अदर लेटर ड्यूरिंग नाउंसिएशन आर कॉल्ड वोवेल्स। ये परिभाषा तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जैसे क्या है, द लेटर विच हैव नो नीड ऑफ एनी अदर लेटर ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन आर कॉल्ड वोवेल्स, यानी कि वह वर्ण जिसे हम बोलते समय, जिसे बोलने के लिए हम किसी दूसरी वर्ण का सहायता नहीं लेते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं अर्थात वोवेल कहते हैं। लेकिन इसका एक और परिभाषा है, वो काफी सटीक डिफिनेशन मुझे लगता है, मैं इसे लिखता हूं, देखेंगे और करके लिखते हैं। द लेटर्स इन विच दे यूज द throat and palate in pronunciation. ये यानी कि वैसी वर्ण, वैसा वर्ण जिसे हम प्रोनाउंस करने के लिए यानी कि बोलने के लिए कंठ और तालु का प्रयोग करते हैं, उसे हम वोवेल कहते हैं। आप ए ई आई ओ यू, ये तीनों, ये पांचों जो लेटर्स हैं, इन्हें अगर आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आप इसके लिए थ्रोट यानी कि कंठ और तालु का ही उपयोग करेंगे। वोवेल जो होता है यानी कि स्वर जो होता है, वो एक प्राकृतिक ध्वनि होता है, वो मनुष्य जो होता है उसे जन्मजात, यूं कहें तो वो पैदा लेता है तो वो उसे जन्मजात ही जानता है। जैसे और जो कॉन्सोनेंट होता है यानी कि जो व्यंजक होता है, वो हम जन्म लेने के बाद सीखते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा को सीखे वो मैटर नहीं करता है। आप हिंदी सीखें, इंग्लिश सीखें, कैनेडियन सीखें, ब्रिटिशियन सीखें, वो मैटर नहीं करता है। अगर कोई बच्चा पैदा लेता है तो वो काके की में तो नहीं रोता है, उसका जो रोने का आवाज होता है वो आ करके ही रोता है। इसे कतई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदुस्तान में पैदा लिया हो या फिर अमेरिका में पैदा लिया हो। तो स्वर जो होता है यही होता है, एक गूंगा व्यक्ति भी स्वर को आसानी से प्रोनाउंसिएट करता है, जैसे आ आ ई करके वो बोल ही लेता है। तो अब हम जानते हैं, हाँ सॉरी, इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा ए ई आई ओ यू, ये हो गया वोवेल। एक होता है सेमी वोवेल, ओके, सेमी वोवेल। सेमी वोवेल हम क्यों पढ़ते हैं? इसका दो होता है, डब्ल्यू और वाई को हम सेमी वोवेल कहते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि किसी भी वर्ड को जब हम बनाते हैं तो उसमें वोवेल आना मस्ट नीडेड होता है। जैसे हम लिखते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं विच, विच मतलब किसे, आप देख सकते हैं इसमें एक ना कोई भी वर्ड आप ले लें, दुनिया का कोई भी वर्ड, जैसे हमने लिख दिया ट्रस्ट, ये हो गया हमारा वोवेल।
किसी भी वर्ड को आप लिखेंगे एजुकेशन, तो उसमें वोवेल आना मस्ट नीडेड। हालांकि कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट हो जाता है, हमने लिख दिया क्राई, ओके, तो क्राई में तो वोवेल नहीं आ रहा है। हाँ, यहां पे वाई जरूर है, तो वाई को हम सेमी वोवेल मान करके चलते हैं। हमने लिखा फ्राई, इसमें तो वोवेल नहीं आ रहा, तो ये हमारा हो गया सेमी वोवेल। हमने लिखा वाई, डब्ल्यू एच वाई, यह भी हो गया हमारा सेमी वोवेल वाई। अब हम चलते हैं व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट क्या है। कॉन्सोनेंट्स, द लेटर which have need of any vowel during pronunciation session is called consonants. Consonants. ओके, यानी कि वैसा वर्ण जिसे प्रोनाउंस करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण का यानी कि किसी स्वर का सहायता लेना पड़ता है, उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। देर आर ट्वेंटी वन कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, सॉरी, अल्फाबेट का जो स्पेलिंग है वो गलत है, अल्फा वेट। कौन कौन होगा? बी सी डी ई नहीं, एफ जी एच आई नहीं, आई के बाद जे के एल एम एन ओ नहीं, पी क्यू आर एस टी यू नहीं, वी W, X, Y, Z। हाँ, अब यहां पे आप, अब एक सवाल उठता है कि Y और W को तो हमने सेमी वोवेल में रखा था, तो नहीं, कॉन्सोनेंट में जब हम इसे प्रयोग करेंगे तो हमारा कॉन्सोनेंट में ही आएगा। W और Y जो मुख्यतः होता है वो हमारा कॉन्सोनेंट में ही होता है। आगे चलते हैं, वर्ड क्या है। ओके, वर्ड, लिखेंगे ए वेल अरेंज्ड कॉम्बिनेशन of letters that is meaningful is called word. Okay, as for example, good, sad, कुछ भी लिख दे, attract। Okay, यानी कि ए वेल अरेंज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, यानी कि जो लेटर्स का जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो सुटेबल तरीके से होना चाहिए। जो अगर उसका जो हम कॉम्बिनेशन करें तो उसका जो एक अर्थ जो निकलेगा वो
सुटेबल अर्थ निकलेगा। ए वेल अरेंज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट इज मीनिंगफुल, यानी कि उसका जो कुछ ना कुछ हमारा मीनिंग जरूर निकलेगा, अर्थपूर्ण होना चाहिए, वेल अरेंज्ड होना चाहिए। ओके जैसे गुड है तो इसे अगर हम लिख देते हैं ना तो वेल अरेंज्ड है ना ही इसका कोई मीनिंग निकल रहा है। सैड को हम कर दें ए एस डी, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है नहीं। तो जब तक वो वेल अरेंज नहीं होगा, जब तक उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, तब तक उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। इसका जो डिफिनेशन होगा ए वेल अरेंज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट इज मीनिंगफुल इज कॉल्ड वर्ड। ओके चलिए अब चलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस तो सेम है ये भी, ए वेल अरेंज्ड अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी कि शब्दों का वैसा समूह जो वेल अरेंज्ड हो, उसका एक कंप्लीट सेंस निकले, उसका एक कंप्लीट अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल Get out from here, यहां से बाहर जाओ, और भी लिखेंगे। तो ये क्या है? एक वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे हम लिख देंगे अगर out, get, here, from, ये क्या वेल अरेंज्ड है? इसका कोई सेंस निकल रहा है? नहीं, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ओके लिखते हैं दीज थिंग्स आर टू एक्सपेंसिव। यानी कि ये चीजें जो है काफी महंगी है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ये वेल अरेंज्ड है, तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो अगले लेक्चर में हम इसके जो बेस है यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, हमारा नाउन से स्टार्ट होता है, उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ मैं सैटरडे और संडे को दो दिन मैं आप लोग का वर्ड का क्लास लूंगा, उसमें आइडम्स ये सब भी आ सकता है, फ्रेज भी आ सकता है। सो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी। So share this video to your most needy friends and subscribe and like this channel for more videos. Okay?